ये देखिए ख्वाजा महमूद मस्जिद है, ख्वाजा महमूद ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी। मस्जिद को शहीद कर दिया गया 2 अगस्त रात के 2 बजे यानी कि AM। 400 से 500 लोग आए, पुलिस और CRPF आके इसको डिमोलिश कर दी। नमाज मत रोको आप लोग, समझे मेरी बात को। आप लोग जो है बाजू के टेंट वगैरह डाल के नमाज जारी रखो। अगर आप लोग नमाज रोके तो फिर बड़ी हार हो जाती है आप लोग। जान की बाजी लगा देने का था। देख लिए पूरा देख, पूरा देख। ये 2 घर तोड़ देना था पहले, ये 2 घर वाले। ये काम करो, सुनो मेरी बात, कहा है उनको बुलाओ जो कार्रवाई कर रहे हैं सवाल। एक काम करो, RTI में डाल के अपने घर का परमिशन लिया क्या मालूम करो। वो भी एक घर है ना, 2 घर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए। अच्छा सुनो, आप गड़बड़ मत करो। RTI में डाल के राइट टू इंफॉर्मेशन में उसका 2 नंबर, ये घर उन्हें परमिशन से बनाया क्या और उसको कितना परमिशन दिए, वो मेरे को वो भी एक RTI में अप्लाई करके कॉपी भेजो। हमारे पर कंप्लेंट करे, हम भी इनके पर कंप्लेंट दिए, जी कंप्लेंट दिए। वो 4 तारीख को सुनवाई थी हमारी, ये 4 तारीख पूरी पुलिस है वहाँ पे। वो मेरे को जो जो भी है कंप्लेंट दिए, आप बताए। आपका नाम क्या बोले? मोहम्मद हबीबुद्दीन। आपका नंबर मेरे को व्हाट्सएप करो। अब कोई होंगे बड़ी ताकत होंगी, ऐसा इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होता। लेकिन एक ऐसे लोग लेके उससे बात करे, एक लोकल का कोई एडवोकेट है उन्हें, और एक सारे ना तीनों मिलके करे कोई डिस्टर्ब नहीं है। इतना अंदर है वो रोड से है, नहीं आप आ गए साहब, ये ओल्ड पीएस है ना, बिल्कुल थोड़ी दूर पे है। चल दुनिया दियो जरा गाड़ी के। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद ए ख्वाजा महमूद शमशाबाद बीनवीनी कॉलोनी को आज रात यानी अलल सुबह की अवलिन सातों में 2:30 बजे से 5 बजे तक मनसूबाबंद तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील करते हुए इलाके को लोगों का जो है लोग घरों को जो है बाहर से कुंडी लगाकर दरवाज़ा बंद करके मोबाइल छीन कर अरे इस तरह मानो में बुजदिलाना कार्रवाई की गई। मस्जिद को शहीद किया गया, इससे ना हमारे हौसले पस्त होंगे ना हमारी हिम्मत जो है जवाब देगी, बल्कि फिर एक नए अज़्म के साथ बड़े हौसले के साथ ईमानी हरारत के साथ नमाज पंजगाना इंशाल्लाह दूर होगी, यही मलबे पे होगी इंशाल्लाह। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, अल्लाह ताला अपने घर की बात करता और हमको वो उसके काम में जो है हमको चुन लिया है। हम इंशाल्लाह इसको जो है बराबर जारी और सही रखेंगे। मस्जिद अल्लाह ताला की इबादतगाह है, एक दफ़ा मस्जिद बन जाती है तो वो क़यामत तक मस्जिद रहती हो। हम बराबर उसको जो है ना कायम रखेंगे, आबाद रखेंगे। हमारी हिम्मत वो नहीं होती। आज म्यूनसिपल कमिश्नर शमशाबाद साहब अली साहब की हरदर्मी, साहब अली साहब की हरदर्मी और उनका जो है ना जारीदारा रवैया से जो है ना बड़ी बायूसी हुई। अल्लाह उनको हिदायत दे और जो है ना ये बहुत गलत काम हुआ है। हम हमारे असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस, अकबरुद्दीन अवैसी साहब प्रो लीडर असम्बली और हमीदुल साहब होम मिनिस्टर और जो है हमारे तमाम जो है KTR और KCR साहब से मौदीबाना इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और मस्जिद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें और ज़रूरी कार्रवाई करें। खाती खरीदारों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करें, उनको कैसे किरदार तक पहुँचाए। हम जो है बड़े हौसले के साथ पुरुमीद है अल्लाह की ज़ात से और हमारे ईमानी जज्बे से कि हम जो है नमाज पंजगाना बराबर ज़रूर इसी मलबे पैदा करेंगे और मस्जिद को फिर से एक आलीशान मस्जिद बनाने का भी हम इरादा और नियत करते हैं। साहब अली साहब, बल्दिया कमिश्नर साहब अली।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फॉलो 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 जरा मैं साइड दे जी 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 आइए एक जगह जा पूरा बता दो समझाओ जरा आप ना रुक जाओ करंट का वायर है करंट का वायर है सब मतलब अभी मस्जिद है हाँ मैं ये मस्जिद का या कॉलोनी का सदर हूँ मैं अच्छा क्या नाम है कॉलोनी का ये ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी शमशाबाद जी और मस्जिद ये 1.5 साल से बन रही और नमाज भी पंजगाना नमाज भी अदा की जा रही जी हम महमूद साहब के पास भी गए सबके पास गए लेकिन सब बोले कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता बोले कि ये आधी रात को 2-2.5 बजे आके 700-800 पुलिस फोर्स है पूरा शमशाबाद पूरा ब्लॉक कर दिए घरों को लॉक कर दिए कोना खींच लिया गया और पूरा 2-2.5 घंटे में पूरा काम करके जब बाहर निकलो बोले नमाज को बाहर निकलने नहीं दिए किसी को हमारे को इंसाफ चाहिए बस कुछ नहीं अल्लाह का घर जहाँ अल्लाह का घर बना हुआ है बस वहाँ मस्जिद हमेशा ताकयामत तक है ना बस हमारी वही है तमाम सब कॉल किया गया कोई रिस्पांस कोई रिस्पांस नहीं दिया साहब इतने लोगों को फोन भी कर रहे हैं कोई रिस्पांस नहीं दे रहे कितने गज पे थी ये पूरी है ये 523 गज पे मस्जिद है ये दूसरों का प्लाट था ये प्लाट के अंदर से जाके पूरा तोड़ा गया इनके प्लाट को भी बाउंड्री वॉल थी ये हाँ ये प्लाट को बाउंड्री वॉल वो भी तोड़ दी वो तोड़ दे के करके पूरा अंदर पुराने मस्जिद भी है अंदर सामान पूरा अंदर ही है पुराने शरीफ कुरान पाक वगैरह सब सब रखे हुए ये कुछ कोर्ट में कुछ कार्रवाई चल रही थी जी 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 हम कहां है जरा पेपर में कुछ है तो बताइए जरा पेपर में बताइए क्या कुछ ऑर्डर आया था क्या है कुछ नहीं हमारा ऑर्डर तो खैर वो पेपर भी है जो भी है आप मेरे को व्हाट्सएप करो आप जी अच्छा सर आइए उधर आइए चलिए पूरी 800 देखो 800 अंदर कुरान शरीफ जो है जी आपको बोले ना बच्चों को घर के सामने तो लॉक लगा के कॉलोनी वालों को लॉक लगा के कोलिया लगा दिया बाहर पूरे अंदर कॉलोनी है नमाज का टाइम हो गया नमाज भी जाने नहीं दी हाँ छह जैसे क्या लगा के रुक जाओ कितने साल से हो रही थी नमाज सिर्फ इसको एक कोई ऑब्जेक्शन ये मुकाम है भाई आपके पास है या आस पास वाले कौन है यहाँ पास आधा नाम आपका लिख जाके मैं बोला सर क्या कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसकी पूरी एक फोटो लेके भेजो बिल्कुल हटो अपना घर ये कोई भेजे मेरे को रात में वीडियो जरा अपना हटो पीछे हटो बाबा जरा पीछे उधर दूर जाओ उधर कोई भी उधर दूर जाओ
नहीं उधर उधर दूर जाओ, उधर दूर जाओ भाई, कोई भी एक दिन है। अरे हटो यार, जरा काम करने दो। देखिए शीखा है नीचे, जरा अपना पूरे पीछे हटो जरा। नहीं नहीं ये क्रॉस एक फोटो लियो पूरा, ये तोड़े सो ये पिछटो पिछटो अपना पिछटो, उधर दूर जाके लियो एक जने। ये पूरा बेल्ट आना है, ये पूरा बेल्ट आना है। वो नाम के साथ मस्जिद का नाम है, कहा है उसको बोट को उठाओ जरा। मस्जिद का नाम छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मस्जिद का बोट कहाँ है? जरा आप लोग पीछे हटो भाई, जरा पीछे हटो। अरे तुम दिख रहा ना पूरा अंदर, दिख रहा जानी मादा मेंबर दिख रहा अंदर, कुरान शरीफ आए निकालने का भी मुखाने दी कोर्ट में, 4 तारीख के दिन कोर्ट में पेशी थी, नोटिस देना क्या दी। इधर से ये पूरा बेल्ट आ रहा है, ये और हटो इधर, हट के लियो आप पूरा ऐसा थोड़ा अपना हटो, पीछे हटो थोड़ा, प्रोफेशनल है ठीक। नाना भी बनी हुए थे, अब लियो अब लियो पूरा, वो बेल्ट आना हो नाना भी बन गए थे, उसको भी दो मिनाना थे। जरा पूरा डिटेल्स दीजिए ना मेरे, आइए उधर आइए, जरा एक वाइट पेपर दीजिए, जरा वाइट पेपर नहीं इसके लिए भी होगा ना, मेरे कहने है फोन में है डिटेल्स, जरा मेरा फोन दियो, जरा आपका फोन दियो, डिटेल्स है सब। नहीं आप जिम्मेदार कौन है, कॉलोनी के प्रेसिडेंट कौन है, मस्जिद के कौन जिम्मेदार बुलाओ बुलाओ इधर, भाई को फोन कर लिया, किसी फोन कर जरा अपना हटो सला, पूरी तफसील बोलिए आप, जरा ये आप मेरे पास जरा हटो अपना मेरे पीछे, नहीं आ रहा आपका नाम बोलिए, कहाँ पर करो भाई, थोड़ा उसमें लगा के थोड़ा पीछे आ जाए, मस्जिद ख्वाजा महमूद जी पहले आप डिटेल बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मस्जिद ख्वाजा महमूद ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी शमशाबाद, और इस कॉलोनी का मैं सदर मोहम्मद हबीबुद्दीन हूँ। जो मस्जिद को मुसलसल 1.5 साल से तामीर की जा रही है, और मस्जिद का काम मुकम्मल हो चुका है, करीब करीब पूरा ख़त्म पे है, और पंजगाने नमाज भी अदा की जा रही है। तो बल्दिया कमिश्नर साबर अली साहब मुसलसिल हमारे को हरासमेंट कर रहे हैं, हमारे ऑफिस को भी गए थे हम, और महमूद अली साहब के पास भी गए थे, होम मिनिस्टर साहब के पास भी गए, और सबिता इंदिरा रेड्डी साहब के पास भी गए थे हम। हम सबको ये एरिया में उन्होंने याद है, हम सबके पास जाके सबके पास जाए, प्रकाश गौट साहब के पास भी गए थे हम, सबके पास जाके इंसाफ मांगे। और ये पट्टा लैंड है, ये कोई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, परमिशन नहीं देते बोले तो ठीक है बना लो बोल के हमारा ऑफिस से भी बोले, हमारे तरफ से कोई वो नहीं है, आप बल्दिया में जाके साइबर अली साहब से बात कर लो बोले। हम उनसे भी 4 दिन पहले भी जाके बात करे, नहीं नहीं कोई बात नहीं होती आप कर लीजिए काम बोले, लेकिन आधी रात को 2-2.5 बजे आके 700-800 आदमी जो पुलिस फोर्स को लेके आकर इतना टास्क फोर्स को लेके आके हमला हमारे पास कर दिया, और हमारे घरों को बाहर से कुंडे लगा दे के फोना भी खींच लिए, घरों में भी घुस गए, 2 घरों में भी अंदर जाके फोना भी खींच लिए, पूरा एरिया ब्लॉक कर दे, 3 किलोमीटर तक पूरे पुलिस फोर्स को वो कर दे के हमारे साथ मस्जिद को शहीद कर दिए। हमारे लिए इंसाफ चाहिए, हमारे केसीआर साहब इंसाफ दीजिए हमारे को, पूरे 111। अस्सलाम वालेकुम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं फिलवक्त जो है शमशाबाद म्युनिसिपैलिटी
के तहत जो गांव आता है, गांव का नाम शमशाबाद गांव है। यहां पर जो है तकरीबन 2016 में प्रेस्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एक है, वो कंपनी के लोग जो है ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बोलकर फेस वन फेस टू ये 15 एकड़ पे प्लाटिंग किए थे, और इस प्लाटिंग में तकरीबन 500 प्लाट्स बने थे छोटे बड़े मिलाकर, और 500 प्लाट्स में 95% जो है सारे मुस्लिम थे यहाँ पर। तो जिस वक्त प्लाटिंग की गई थी यहाँ पर, जो ग्राम पंचायत का परमिशन लिया गया था प्लाटिंग के लिए, उसमें जो है दो प्लाट्स को मस्जिद के तहत बताया गया था, 250-250 गज के दो प्लाट छोड़े गए थे मस्जिद के तहत। तो ये प्लाटिंग करने वाले जो है तैयब अली साहब, ताहिर अली साहब हैं। और इसमें क्या हुआ कि ये तकरीबन डेढ़ साल मस्जिद की तामीर तकरीबन 2 साल पहले चालू हुई, और मस्जिद मुकम्मल होने से 1.5 साल से मुसलसिल नमाज चल रही है इसमें। तो यहाँ पर एक गैर मुस्लिम शख्स को एतराज था, उसका एक ही घर है यहाँ पर, वो एतराज करा कि जाके पहले एतराज ये किया कि लोकल म्यूनसिपालिटी में ये बगैर परमिशन बना रहे हैं, वैसा बना रहे हैं, बल्कि क्योंकि ग्राम पंचायत में यहाँ परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, और ख़ास तौर पर कोई मस्जिद के लिए, मैं समझता हूँ कि अगर वो मस्जिद मंदिर चर्च बन रही है तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं रहता है, नोट देना पड़ता है खाली कि ये हम रिलीजियस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बल्कि जैसा जैसा ये मस्जिद बन रही थी यहाँ पर लोग बसना भी चालू किए, और अचानक जो है नोटिस आने के बाद में ये लोग वक्फ बोर्ड से भी अप्रोच हुए, ये लोग जो है महमूद अली साहब होम मिनिस्टर से मुलाकात किए, और कोर्ट को भी अप्रोच है वो बल्दिया की नोटिस के ख़िलाफ़ में। अभी कोर्ट में जेरे दौरान है केस, अचानक आनंद फानंद में कल रात में तकरीबन 2:30-3 बजे के दरमियान 200-300 पुलिस वालों को लेकर यहाँ की शमशाबाद म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर और पूरे जितने भी बल्दिया का अमला बोलिए, पुलिस का अमला बोलिए, रात में आकर पूरे घरों को बाहर से दरवाजे लगा दिए, अगर कोई बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके फ़ोन खींच लिए, और रातें रात जो है ये मस्जिद को पूरा शहीद कर दिए। तो आया हम क्या तेलंगाने में हैं या हम गुजरात में हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आज से 8 दिन पहले शमशाबाद की एक और एक मस्जिद जो मस्जिद नूरी है उसकी मलगियों को और उसकी बाउंड्री वॉल को शहीद कर दिए। आज की तारीख तक हमारे सर में जितने बाल है उतने मुस्लिम कायदीन है हमारे पास, वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर एक मुस्लिम है, कई MLA, कई MPs, कई सियासी पार्टियां, कई गैर सियासी पार्टियां हैं, उस मसले पर आवाज़ नहीं उठाए। वो मसले पर आवाज़ नहीं उठाने की वजह से हिम्मत बढ़ी और आज ये मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अगर हम वो मस्जिद की दीवार के लिए लड़ते थे और वो मस्जिद की दीवार और मलगियों को बचाते थे तो शायद मैं समझता हूँ कि आज ये मस्जिद ख्वाजा महमूद शमशाबाद पर शहीद नहीं होती थी। अगर हम इस पर भी आज खामोश बैठेंगे, हम तावीलात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कल के दिन और कोई एक मस्जिद शहीद कर दी जाएंगी। जो लोग KCR साहब को सेकुलर कहकर मुंह नहीं सूखता उनका तारीफ़ा करने के लिए, ये मस्जिद का मलबा आज उन तमाम के लिए सवालिया निशान है। ये तो इंशाल्लाह मुझे रात में इतला हुई, लेकिन ये इतना अंदर है कि मैं खुद अब आने के लिए जलपल्ली से एक बार ट्राई किया, वो जलपल्ली की रोड पूरी खुदी हुई है पूरी रोड, और दूसरा फिर मैं दूसरी रोड से आने की कोशिश करा, कहीं भटक के गूगल पे लोकेशन कहीं दूसरी जगह ले गया, और कर इत्तेफाक से अब अल्लाह ताला यहाँ तक लाया है। इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हम कोशिश करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है उसकी एक कॉपी दीजिए। अभी मैं गाड़ी में बैठते ही हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन महमूद अली साहब से, KTR साहब से सबसे बात करेंगे हम। आए दिन ये देखने को आ रहा है कि तेलंगाने में किसी ना किसी बहाने से ख़ास तौर पर एक फिरके के इबादत गाहों को, कब्रस्तानों को निशाना बनाया जा रहा है। मेट्रो रेल की तामीर के वक्त में आप देख सकते हैं कि कई दरगाहों को, छिल्लों को, कई कब्रस्तानों को आप बड़ी चौड़ी पुलिस स्टेशन से लेके सुल्तान बाजार, आप सिकंदराबाद तक जहाँ जहाँ मेट्रो ट्रेन गया है ये पूरे शहीद करते गए लोग। दूसरा, हाल ही में सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का वाकया, एयरपोर्ट की मस्जिद का वाकया, आपके मस्जिद एक खाना अंबरपेट का वाकया बोलिए,
या आप कुत्तागुड़म में फॉरेस्ट एरिया का वाकया बोलिए, रोड वाइडनिंग के नाम पे मस्जिदों को शहीद कर दे रही, कब्रस्तानों को मिसमार कर दे रही और दूसरे इबादत गाह अगर आ रहे हैं तो उसको बड़ा करके दे रही, तो आया ये क्या सियासत चल रही है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। हम तो आपको सेकुलर समझ रहे थे, केसीआर साहब को, केटीआर साहब को, लेकिन आपका ट्विटर हैंडल इस मसले पर क्यों नहीं बोलता है? अगर कुछ लीगल इलीगल था तो बल्लिया में कई खवानीन है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस जो है इलीगल बना के लोग उसको लीगल कर ले रही, और हालिया में जो लेक्स का जो जियो था उसको भी आपकी सरकार बर्खास्त कर डाली, एयरपोर्ट के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का जो जियो था उसको भी आपकी सरकार बर्खास्त कर डाली। तो जहां पर एक तरफ आप लैंड ग्रैबरों को, इलीगल बिल्डिंग्स को आपकी सरकार तायद कर रही है, दूसरी तरफ खास तौर पर एक मुसलमानों की इबादत गाह को तोड़ना, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता है हम कोशिश करेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे जी। शमशाबाद हाईवे से ये और कई लोग मुझे जब से टेलीफोन कर रहे थे, इसका करेक्ट लोकेशन समझाइए आप, आइए सामने आके बोलिए। मक्ता बहादुर रोड। भाई ये मस्जिद शमशाबाद नेशनल हाईवे से बराबर एक किलोमीटर पे है, ओल्ड पीएस रोड से आधा किलोमीटर पे है, शमशाबाद नेशनल हाईवे बस स्टैंड से एक किलोमीटर पे मस्जिद है, ये बिल्कुल करीब है शमशाबाद से, ऐसा नहीं कोई खेड़े गांव वगैरह में, बिल्कुल शमशाबाद नेशनल हाईवे जो एयरपोर्ट है एयरपोर्ट से एक किलोमीटर पे है ये हरकत की गई। मामड़पल्ली रोड और शमशाबाद नेशनल हाईवे से बिल्कुल एक किलोमीटर, ऐसा नहीं की कोई जो है मतलब खेड़े गाँव वगैरह में मस्जिद है, यहाँ पर आबादी नहीं है बोल के, नहीं बिल्कुल आबादी है यहाँ पर। हाँ, एक और एक अहम बात ये है कि हमारे नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू साहब का यहाँ पर फार्म हाउस है, गेस्ट हाउस है, और वहां पर वेंकैया नायडू का फार्म हाउस कोई बोर्ड लगा हुआ है ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बोल के, तो इंशाल्लाह बड़े अफसोस का मुकाम है कि कमिश्नर खुद साबिर अली एक मुसलमान है, उनको सरकार अवार्ड दी इसलिए अवार्ड दी होंगी कि मस्जिदों को शहीद करो बोलकर, तो इंशाल्लाह वो क्या है पेपर्स बताइए जरा आप मेरे।